बच्चों, अब हम एक कहानी पढ़ते हैं जिसका शीर्षक है ईर्ष्या का परिणाम। एक गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। एक दिन उसे एक फकीर ने एक अनोखा दीपक देते हुए कहा, बुढ़िया माई, यह बड़ा अनोखा दीपक है। आंगन को लीप कर इस दीपक को बीच में रख कर जलाओ और हाथ जोड़ कर इससे कुछ भी मांग लो। जो कुछ भी इससे मांगोगी देगा, किंतु एक ही बात इस दीपक में अजीब है। यह जो तुम्हें देगा उससे दुगना तुम्हारे पड़ोसी को अवश्य देगा। बुढ़िया खुशी खुशी दीपक को लेकर घर आई। आंगन को लीप कर उसने जलता हुआ दीपक आंगन के बीच में रख कर कहा, हे दीपक, मेरे घर का एक कमरा रुपयों से भर दे। बुढ़िया ने आश्चर्य से देखा कि उसके घर का एक कमरा रुपयों से भर गया। बुढ़िया अपने को न रोक सकी। वह यह खबर बताने के लिए पड़ोसी के घर की ओर दौड़ी। अचानक उसने देखा कि पड़ोसी के घर के दो कमरे रुपयों से भर गए। बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। रुपयों से भरा हुआ कमरा उसे भारी कष्ट दे रहा था। बुढ़िया ने फिर से दीपक को प्रणाम किया और बोली, दीपक महाराज, कृपया करके मेरी आँख फोड़ दो, मेरा एक पैर तोड़ दो। उसी समय बुढ़िया की एक आँख और एक पैर जाता रहा, किंतु बुढ़िया खुश थी क्योंकि पड़ोसी अंधा ही नहीं अपाहिज भी बन गया था। इस प्रकार ईर्ष्या आदमी से बड़ा पाप करा सकती है। बच्चों, शिक्षा है हमें कभी दूसरे से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए।